अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इको 401 का क्विज नंबर 2 सॉल्व। आज के इस वीडियो में दो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी, 100% करेक्ट होंगे। अगर आप भी पेड क्विज जो है करवाना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है कि एजेंट्स इरोनियसली स्पेंड मोर देन दे शुड बी कॉज, ठीक है, कि एजेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है, जितना उन्हें करना चाहिए उससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि। तो यहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है क्योंकि गवर्नमेंट ड्रिवन एक्चुअल इन्फ्लेक्शन इज इन पीरियड टी एज एक्सपेक्टेड इन टी पीरियड टी माइनस वन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हमारे पास करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है परसेंटेज जीडीपी गैप इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमने बताना है। इसका फार्मूला जो है वह है हमारे पास एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारे पास इसका करेक्ट फार्मूला है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग समराइज ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन फॉर अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है, कि कौन सा इनमें से इंस्ट्रूमेंट है जो समराइज करता है तमाम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को किसी कंट्री के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक दौरानिए में। तो वो हमारे पास होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स द परचेज एंड सेल ऑफ फिनेंशियल एसेट्स एंड रियल इस्टेट बिटवीन पाकिस्तान एंड अदर नेशंस, ठीक है, कि वो कौन सा इंटरनेशनल अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है परचेजेस और सेल्स को, ठीक है, पाकिस्तान और अदर नेशंस के दरमियान। तो वो सेविंग अकाउंट है, फिनेंशियल अकाउंट, करंट या फिर कैपिटल। तो वो है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू होम इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, किसके मुताबिक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो हैं ये एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स हैं, जिस तरह से कॉइन की कॉइन जो है यानी कि सिक्का जो है उसकी दो साइड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये आदम स्मिथ ने कहा था, फिलिप्स ने कहा था, कीन्स ने कहा था या फिर मार्कस, ठीक है, तो ये कहा था कीन्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इनकरेज, ठीक है, जब करेंसी की डीवैल्यूएशन होती है तो ये इनकरेज करती है किस चीज़ को, एक्सपोर्ट्स को, पॉवर्टी को, इन्फ्लेशन या फिर इम्पोर्ट्स। तो जब करेंसी की डीवैल्यूएशन होती है तो ये इनकरेज करती है एक्सपोर्ट्स को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट है अ नेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कि नेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है ये अफेक्ट होती है किसको चेंज करने से, फॉरेन इनकम को, रियल एक्सचेंज रेट को, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स को, ठीक है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये चेंज होती है इन सब चीज़ों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट वन है इफ अ जापानीज मोबाइल प्राइस्ड एट, ठीक है, तो ये उसकी प्राइस है और कैन बी परचेज एट $10 द एक्सचेंज रेट इज, ठीक है, तो फिर इसका एक्सचेंज रेट क्या होगा, एक्सचेंज रेट होगा हमारे पास $10, ठीक है। नेक्स्ट वन है एन एक्सचेंज रेट ऑफ 1-3 जापानीज येन, ठीक है, टू द यूनाइटेड स्टेट डॉलर USD मीन्स डैट JPY 1-3 इज वर्थ, ठीक है, तो हमने बताना है कि JPY 1-3 इसकी जो वर्थ है किसके इक्वल होगी, कितने USD डॉलर्स के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये जो JPY 1-3 है इसकी वर्थ $1 यानी कि 1 USD से भी लेस होगी, 0.8 समथिंग है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये लेस देन है USD 1 से, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट वन है, इन 1971 पाकिस्तान लिंक्ड इट्स करेंसी रुपी टू, ठीक है कि 1971 में पाकिस्तान ने अपनी करेंसी को लिंक किया था रुपी टू, ठीक है। अब ये टू जो है वो हमने बताना है कुवैत दिनार से, पाउंड स्टर्लिंग से, यूएस डॉलर से, ये जापानीज येन से, ठीक है। तो ये रुपीज़ को हमने किया था पाउंड स्टर्लिंग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। सॉल्यूशन वन हमने कंप्लीट कर लिया, सॉल्यूशन टू हम स्टार्ट करते हैं इको 401 क्विज नंबर टू का। ये सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशन स्टूडेंट्स ने पेड क्विज करवाए हैं, ये उनके सॉल्यूशन है। अगर आप भी पेड सॉल्यूशन करवाना पेड क्विज करवाना चाहते हैं, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, जीमेल आईडी है irsalakhtar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं क्विज को। द इशू ऑफ करंट अकाउंट डेफिशिट मोस्टली हैपन्ड अंडर द डैश, ठीक है। तो ये मोस्टली हैपन होता है अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज के अंडर मोस्टली ये इशू जो है ये क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन है, सेंट्रल बैंक डू डेफिशिट फिनांसिंग बाय, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो डेफिशिट करेगा फिनांसिंग को बाय प्रिंटिंग करेंसी। नेक्स्ट वन है, गवर्नमेंट ड्रिवन एक्चुअल इन्फ्लेशन इन पीरियड टी एज एक्सपेक्टेड इन टी पीरियड टी माइनस वन एंड द एंड देन एजेंट्स इनोमिरसली स्पेंड मोर देन दे शुड बिकॉज, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन थी, फर्स्ट क्विज में ये स्टेटमेंट गिवन थी और हमने ये आंसर जो है बताना था। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट्स गिवन है, अब इन दोनों की वजह जो है वो हमने बतानी है, बिकॉज क्यों, इसकी वजह बतानी है, ठीक है। तो इसकी जो वजह होगी हमारे पास वो करेक्ट आंसर होगा, एजेंट्स क्यों ज़्यादा स्पेंड करते हैं, क्योंकि एजेंट्स व्यूज द इंक्रीजेस एज रियल रादर देन नॉमिनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एजेंट जो हैं वो व्यू करते हैं रियल को, ठीक है, ज़्यादा नॉमिनल की बजाय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं, ऑल आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तीनों हो सकती हैं। नेक्स्ट वन है, बिटवीन टू कंट्रीज द वर्थ ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर इज नॉन एज, ठीक है, कि दो कंट्रीज के दरमियान जो एक करेंसी की वर्थ है वो दूसरी की टर्म्स में कहलाएगी क्या, वो कहलाएगी एक्सचेंज रेट, ठीक है। कि दो कंट्रीज हैं, एक करेंसी, एक कंट्री की करेंसी जो है उसकी वर्थ दूसरी कंट्री की टर्म्स में कहलाएगी एक्सचेंज रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है, एजेंट्स इनोमिनसली स्पेंड मोर देन दे शुड बी कॉज, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे एमसीक्यूज ये रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर अगेन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पहले ये ऑप्शन जो था ये ऊपर फर्स्ट में था इसलिए हमने लगाया था, लेकिन अब ये देखें नॉट ड्रिवन, तो हमारा ड्रीवन वाला है, इट्स मीन कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है अब करेक्ट होगा। बस एमसीक्यूज़ की जगह चेंज कर दी, उससे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट में है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पे इसका अनएम्प्लॉयमेंट का क्या बेनिफिट हो सकता है कि जॉब हम सर्च कर रहे हैं तो उस पर कॉस्ट कम लगेगी, रिड्यूस होगी कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है, व्हाट विल बी हैपन इफ़ द एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस फ्रॉम डॉलर वन टू 85 एंड डॉलर वन टू 65, यानी कि पहले एक्सचेंज रेट इतना था और अब इतना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे जो हमारा होगा इम्पोर्ट जो हम मंगवाते हैं और एक्सपोर्ट जो हम बेच रहे हैं, तो इससे हमारी इम्पोर्ट जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। इसका आपने करेक्ट आंसर खुद वेरीफाई करना है। नेक्स्ट चलते हैं कि इफ़ द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज राइज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कि अगर ईयर के दौरान सर्विसेज जो हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, राइज होती हैं, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है, कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो फॉल हो जाएगा, राइज होगा रियल, ठीक है। तो यहाँ में इंक्रीज और में फॉल,
रियल जीडीपी जो है वो राइज हो जाएगा, मस्ट राइज होगा अगर गुड्स की प्राइस जो है वो राइज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है इफ़ देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर्स देन, ठीक है कि अगर सप्लाई ऑफ डॉलर की एक्सेस है तो फिर क्या होगा, प्राइस ऑफ डॉलर रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगी, प्राइस ऑफ डॉलर फॉल्स, ठीक है एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर देयर इज डिमांड ऑफ डॉलर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड जो प्राइस ऑफ डॉलर डिमांड फॉर डॉलर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, जीमेल आईडी है itslakhtar@gmail.com। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।